बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की, जिसे राजनीतिक हलकों में उनकी मजबूती के तौर पर देखा गया। लेकिन इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते कि हरियाणा की पूरी सरकार ने ही इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में क्या होने वाला है, इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। चंडीगढ़ से जानकारी आती रही कि चेहरा वही होगा, बस सरकार नए तौर पर बनेगी। लेकिन ये बात भी उल्टी साबित हुई। दोपहर दो बजते बजते राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम सामने आ गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हरियाणा में बीजेपी ने इतना बड़ा दांव क्यों खेला। दरअसल नेतृत्व परिवर्तन के लिए पीछे वैसे तो किसान आंदोलन से लेकर कई कारण गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी के साथ राज्य में सरकार बनाने के बाद जेजेपी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही थी। पिछले कुछ महीने से जेजेपी ने अपनी गतिविधियों को और भी तेज कर दिया था, इससे बीजेपी असहज थी। लेकिन इसके बाद भी सरकार 4 साल 137 दिन पूरे करने में कामयाब रही और ये माना जा रहा था कि सरकार पूरे 5 साल भी चलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पीएम मोदी के दौरे के अगले ही दिन जेजेपी ने जहां नाता तोड़ लिया, तो दूसरी तरफ राज्य में नई सरकार की ताजपोशी हो गई। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की एक और वजह सीट शेयरिंग रही। जानकारी के मुताबिक जेजेपी ने बीजेपी से राज्य में 2 सीटों की मांग की थी, जिसमें भिवानी और हिसार लोकसभा सीटें शामिल थी। अंदरखाने करनाल सीट को लेकर भी बातें हो रही थी। हालांकि बीजेपी ने शुरुआत में जेजेपी को इन सीटों के साथ कुरुक्षेत्र और सिरसा की पेशकश की थी, लेकिन खुद हिसार से सांसद रह चुके दुष्यंत चौटाला अड़े हुए थे। यहीं से दोनों दलों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का एक धड़ा जेजेपी को 1 सीट देने पर सहमत था। इसके पीछे की वजह ये भी थी कि जेजेपी को सीट नहीं देने पर एनडीए के अंदर गलत संदेश जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके खिलाफ थे। वो किसी भी कीमत पर हिसार और भिवानी की सीटें देने के पक्ष में नहीं थे। इससे जेजेपी का गुस्सा बढ़ा और सरकार छोड़ने की पहल शुरू हो गई। इस मौके का फायदा उठाने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की। कहा तो ये भी जा रहा है कि हिसार की सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना को भाप कर ही ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुल मिलाकर बीजेपी जेजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चली खींचतान में एक ऐसी स्थिति आ गई जब ये तय हुआ कि जेजेपी को सिर्फ 1 सीट दी जाए। लेकिन आखिर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ही चली। इसके लिए उन्हें अपना मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा, लेकिन वो गठबंधन के लिए राजी नहीं हुए। पीएम मोदी से शाबाशी के बाद खुद मनोहर लाल खट्टर ने इस फेरबदल को स्वीकार कर लिया और एक झटके में हरियाणा के सियासी परिदृश्य को बदल कर रख दिया। इस बीच चर्चा इस बात को लेकर है कि मनोहर लाल अब केंद्र की राजनीति में दिख सकते हैं। अटकलें ये भी हैं कि वो या तो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या फिर संगठन में कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि खट्टर का आगामी सियासी भविष्य किस तरफ जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।